हेलो एवरीवन, तो आज हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 2 हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले इसमें दो पार्ट है, एक हाइपर का और एक पॉइजन का, दो अलग अलग पार्ट है पर चैप्टर एक ही है। तो सबसे पहले हम हाइपर ज्योमेट्रिक देखेंगे और उसमें कुछ फॉर्मूलास है जो मैं आपको यहाँ पर पहले लिख दे रहा हूँ और फिर उससे हम आगे सम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मीन की फॉर्मूला आती है। मीन इज इक्वल टू एम आर डिवाइडेड बाई एम प्लस एन और उसके बाद वेरियंस, उसकी फॉर्मूला है एम एन आर ब्रैकेट एम प्लस एन माइनस आर डिवाइडेड बाई एम प्लस एन स्क्वायर एम प्लस एन माइनस वन। और ये चैप्टर में हमें क्या है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है उसका इज इक्वल टू रूट मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट मीन, मीन का जो रूट है इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मीन का रूट 1 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन की अमाउंट भी 1 ही होगी। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है तो रूट का मीन 1 होगा। अगर यहाँ पर ये स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है तो ये भी 3 होगा, और ये अगर रूट मीन 5 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी 5 होगा। और अगर सपोज़ सिर्फ ये जो है वो सिर्फ यहाँ के यही चैप्टर में है और सपोज़ हमें वेरियंस चाहिए तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, 5 का 25, तो वेरियंस चाहिए हमें, तो 1, 9, 25 इसका स्क्वायर कर देना है तो हमें मिल जाएगा वेरियंस। सिर्फ यही चैप्टर में ये एक एडवांटेज है। तो अब सबसे पहले हम एक सम सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे सम लिख दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है। देर आर 5 ग्रेजुएट्स एंड 3 नॉन ग्रेजुएट्स इन अ ग्रुप, 3 पर्सन आर सिलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम इट, व्हाट प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ देम। और इसकी जो कंडीशन है वो यहाँ पे हमें दी गई है, 2 आर ग्रेजुएट्स यानी कि 2 ग्रेजुएट है, एटलीस्ट 2 आर ग्रेजुएट कम से कम 2 लोग ग्रेजुएट है, ऑल आर द सेम लेवल सबके सब जो है सेम लेवल के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पार्ट बना देंगे ग्रेजुएट्स नॉन ग्रेजुएट्स टोटल। तो जो टोटल है 5 ग्रेजुएट्स एंड 3 नॉन ग्रेजुएट्स, तो टोटल हुआ 8, और जो नॉन ग्रेजुएट है वो 3 है, यहाँ पे 3 ग्रेजुएट्स 5। अब कंडीशन में क्या दिया है कि 2 आर ग्रेजुएट्स, तो एग्जैक्टली 2 लोग ग्रेजुएट है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 और यहाँ पे 1। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा है कि 3 पर्सन आर सिलेक्टेड, तो यहाँ पे 3 सिलेक्टेड, तो हमें सिर्फ यहाँ पे 3 ही लेना है क्योंकि यहाँ पे 3 लोग को ही सिलेक्ट किया गया है। तो ग्रेजुएट्स यहाँ पे कंडीशन ये है कि 2 ग्रेजुएट्स, तो यहाँ पे 2 ग्रेजुएट्स और बाकी बचा जो वो एक यहाँ पे। अब सेकेंड कंडीशन में ये है कि एटलीस्ट 2 आर ग्रेजुएट्स, कम से कम 2 लोग ग्रेजुएट है, 2 से ज़्यादा नहीं, तो उसमें कंडीशन क्या होगी 2 और 3, तो यहाँ पे आएगा 1 और 0। और लास्ट कंडीशन ये है कि ऑल आर द सेम लेवल, तो ऑल आर द सेम लेवल में एक ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि सारे के सारे जो तीनों, यहाँ पे जो एक पॉसिबिलिटी होगी 3 कि जो तीनों के 3 ग्रेजुएट्स और 0 नॉन ग्रेजुएट और 0 नॉन ग्रेजुएट और तीनों के 3 नॉन ग्रेजुएट। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे वो ऐसे कि, और ये जो यहाँ पे कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, और ये जो लास्ट वाली है वो थर्ड कंडीशन। पहले कंडीशन फर्स्ट, उसमें ये होगा प्रोबेबिलिटी 5C2 into 3C1
और जो टोटल है यहाँ पे 833 ये जो 5C2 3C1 और डिवाइड में 8C3 जो टोटल, तो 5C2 होगा 10, 3C1 3 और 8C3 56, तो 30/56 इज इक्वल टू 0.5357। और जब दूसरी कंडीशन कि एटलीस्ट 2 आर ग्रेजुएट्स, तो ये जो हमने देखा ये था वो 2 आर ग्रेजुएट्स, और दूसरी कंडीशन एटलीस्ट 2 आर ग्रेजुएट्स, एटलीस्ट 2 आर ग्रेजुएट्स सेकंड, तो उसकी कंडीशन होगी 5C2 इनटू 3C1 प्लस 5C3 इनटू 3C0 डिवाइडेड बाय 8C3। ये हमने यहाँ पे लिया 5C2 इनटू 3C1 प्लस 5C3 और 3 इनटू 0 3C0 और जो टोटल है लास्ट में 8C3, तो 5C2 आया 10, 3C1 तो 3 प्लस 5C3 वो भी 10 इंटू 3C0 तो 1 और 8C3 56 इज इक्वल टू 40/56 तो 0.7143। तो ये जो हमारी सेकंड कंडीशन थी वो ये सॉल्व हो गई। और अब थर्ड कंडीशन, ऑल आर एट सेम लेवल, सबके सब सेम लेवल के, तो उसकी जो कंडीशन होगी प्रोबेबिलिटी 5C3 इंटू 3C0 प्लस 5C0 इंटू 3C3, तो 5C3 10 इंटू 3C0 1 प्लस 5C0 तो 1 3C3 तो 1 और जो लास्ट में डिवाइड में 8C3 56 10 इंटू 1 10 1 इंटू 1 1 तो 10 प्लस 1 11 इज इक्वल टू, और 8C3 का कैलकुलेशन 56 11 डिवाइडेड बाय 56 इज इक्वल टू 0.1964। और अगर किसी को जो ये कैलकुलेशन है 5C2 3C1 अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे कर सकते हो 5 × 4 2 है तो 2 ही लेना है, यहाँ पे 2 तक ही जाना है और उसके आगे नहीं जाना है, 2 × 1 तो 5 × 4 = 20 20 डिवाइड बाई 2 तो आंसर आया 10। और ये 5C3 है तो 5 × 4 × 3 और यहाँ पे 3 × 2 × 1 तो 5 × 4 × 3 इज इक्वल टू 60, 3 × 6 × 1 तो 6, 60/6 तो 10। तो आप ऐसे करके कैलकुलेशन निकाल सकते हो अगर किसी को नहीं आता है तो। इसके लिए मैंने ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया जो 5C2 और ये 5C3, 8C3 भी हमने ऐसे ही निकाला है तो आपको बता देता हूँ मैं, 8 × 7 × 6 और 3 ही है तो 3 तक ही जाना है, तो 3 × 2 × 1 तो 8 × 7 × 6 = 3 3 6 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 56। ऐसे हमने ये निकाला है। तो यहाँ पे हमने ये पूरा एक सम कर लिया। अब और एक टाइप का और सम देखेंगे, तो यहाँ पे एक और सम देखेंगे, इलस्ट्रेशन 3 है, बुक का ही सम है, ये रहा इलस्ट्रेशन 3। तो उसका जो क्वेश्चन है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बुक में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने क्वेश्चन लिख दिया है,
There are 50 screws in a lot. 2% of them are defective. If a random of 20 screws is taken from the lot, find the probability that none of among them is defective. Also find the mean and the variance of the number of the defective in sample. So total screws are 50. So yahan pe likhenge total 50 aur uska 2% hume bola hai ki wo defective hai. So 50 ka 2% hota hai 1. So hum sabse pehle yahan pe defective non defective. तो 50 का 2% क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि 2% ऑफ देम आर डिफेक्टिव तो 50 का 2% 1 तो नॉन डिफेक्टिव हुए 49. इफ अ रैंडम ऑफ 20 स्क्रूज इज टेकन तो यहाँ पे जो सिलेक्टेड आएगा 20 स्क्रूज और कंडीशन हमें दी गई है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नन अमंग देम इज डिफेक्टिव कोई भी डिफेक्टिव नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा कंडीशन कि डिफेक्टिव कोई भी नहीं है तो 0 और यहाँ पे 20 इसलिए क्योंकि 20 स्क्रूज सिलेक्ट करना है तो ये सम कैसे होगा P इज इक्वल टू 0 1 C0 इंटू 49 C20 डिवाइडेड बाय 50 C20 जो टोटल है वो लास्ट में तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि इसकी एक फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये है कि n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल तो यहाँ पे ये आएगा कि n फैक्टोरियल तो n 49 फैक्टोरियल n माइनस r तो 20 फैक्टोरियल 29 फैक्टोरियल तो यहाँ पे हमने जो किया ये पूरा इसका कैलकुलेशन था इसका जो n है तो वो है 49 और n माइनस r यानी कि 49 माइनस 20 तो हुआ 29 फैक्टोरियल और जो वही का वही यहाँ पे r फैक्टोरियल वही तो सिर्फ हमने कैलकुलेट किया पूरा सिर्फ इसका और यहाँ पे डिवाइड आएगा और इनटू इसका ही पूरा हमें अभी इसका कैलकुलेशन करना है 50 से 20 का तो ये जो पूरी फॉर्मूला है वो पूरी रेसिप्रोकल हो जाएगी उसकी पूरा उल्टा हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया था n फैक्टोरियल n माइनस r तो ये जो है वो ऊपर चला जाएगा और ये n नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर हमारा n होगा 50 फैक्टोरियल और ऊपर 20 फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल 50 माइनस 20 एन माइनस आर ये जो स्क्रूज है वो हमारा आर है तो 50 माइनस 20 30 फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल 20 तो वही का वही सेम अब फैक्टोरियल यानी कि 49 से इंटू करते करते हमें पूरे 1 तक जाना है 49 इंटू 47 46 एक्सेट्रा एक्सेट्रा इंटू 1 तो ये पॉसिबल नहीं है तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि यहाँ पे क्या दिया गया है कि 50 फैक्टोरियल यहाँ पे 49 फैक्टोरियल तो 50 इंटू 49 तो यहाँ पे ये 49 हो गया कट और यहाँ पे दिया गया है 30 फैक्टोरियल तो सारे सम में बेसिकली ऐसा ही होगा क्योंकि ये पूरा जो है वो अंदर ही है तो सेम ही होगा तो आप इसको कट कर सकते हैं तो 30 इंटू 29 तो ये भी यहाँ पे होगा कट और ये 20 है दोनों वो भी कट तो भी बचा ये कि सिर्फ 30 फैक्टोरियल और 50 फैक्टोरियल तो आंसर आया 30 डिवाइडेड बाय 50 और अब तो ये जो हमारा आंसर है वो आया 30 बाय 50 और हमने ये जो सब इसलिए कट किया क्योंकि 30 फैक्टोरियल का आप देखने जाओ तो 30 इंटू 29 इंटू 28 तो 30 इंटू 29 तो 29 यहाँ पे दिया गया है इसलिए हमने यहाँ पे ये कट किया और वही सेम 49 इंटू 48 47 एक्सेट्रा इंटू 1 तक जाना है तो यहाँ पे 50 दिया गया है तो 50 इंटू 49 तो ये कट हो गया यहाँ पे इसलिए आंसर आया 30 बाई 50 और ये जो 20 था वो यहाँ पे भी 20 था तो दोनों जो फैक्टोरियल थे हमने कट कर दिए इसलिए
अब हमें बोला गया है कि फाइंड द मीन एंड वेरियंस. तो मीन की फॉर्मूला मैंने आपको आगे बताई थी, मीन इज इक्वल टू एम आर प्लस एम प्लस एन. तो यहाँ पे आर मैंने बोला कि आपको जो है 20 है, आर इज इक्वल टू 20, और एन एन जो यहाँ पे हमने देखा था वो 49, और जो एम होगा वो होगा 1. वो इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टोटल है उसकी कैलकुलेशन ऐसे होती है, एम प्लस एन इज इक्वल टू ये. तो ये हुआ हमारा एम, ये एन, और ये जो यहाँ पे है वो है आर. तो फॉर्मूला ये है एम आर डिवाइडेड बाई एम प्लस एन. तो एम 1 इंटू आर 20 और एम प्लस एन 50 इज इक्वल टू 20 बाय 50. आंसर आया 0.40. और अब वेरियंस. तो वेरियंस की फॉर्मूला है एम एंड आर, एम प्लस एन माइनस आर, एम प्लस एन स्क्वायर, एम प्लस एन माइनस वन. तो एम 1 इंटू एन 49, आर इज इक्वल टू 20 टू ब्रैकेट एम प्लस एन 1 प्लस 49 और माइनस आर तो 20. एम प्लस एन स्क्वायर 1 प्लस 49 स्क्वायर इंटू एम प्लस एन माइनस 1 प्लस 49 माइनस 1. तो 1 इंटू 49 इंटू 20 1 इंटू 49 इंटू 980. फोर्टी नाइन माइनस 20 29 प्लस 1 30. यहाँ पे 50 का स्क्वायर 2500 इंटू 1 प्लस 49 माइनस 1 तो 49 29400 और 2500 इंटू 1225500 और इसको डिवाइड करेंगे 29400 0.24. तो ये सम हमारा सॉल्व हो गया. और इसकी जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताई m प्लस n की, वो सारे सम में यही रहेगी. ये m होगा जो डिफेक्टिव है या जो भी अगर डिफेक्टिव है और कुछ भी है, और जो पॉजिटिव है यहाँ आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव है नॉन डिफेक्टिव, और ये जो नेगेटिव है तो नेगेटिव हमेशा m रहेगा, पॉजिटिव n, और यहाँ पे तो ये m प्लस n, और जो सिलेक्टेड होता है वो r ही रहेगा हमेशा. तो ये सब हमने पूरा सॉल्व कर लिया है. ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पॉइजन का सम लिया है. तो इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो सम है वो पॉइजन का है, वो आपको यहाँ पे ई दिया गया होगा. यहाँ पे हमको दिया गया है ई माइनस 4 और उसकी वैल्यू है 0.01832. तो आपको वहाँ पे ई माइनस 2, ई 3, ई 5, ई 6 कुछ भी दिया गया होगा और उसकी वैल्यू बाजू में दी गई होगी, क्वेश्चन में होगा ये. तो यहाँ पे क्वेश्चन है, देयर आर टू डिफेक्टिव स्क्रूज इन ईच ऑफ बॉक्स 200 यूनिट, बॉक्स सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट इट कंटेन्स, और उसकी जो कंडीशन है, नो डिफेक्टिव स्क्रूज, एट मोस्ट 2 स्क्रूज डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव स्क्रूज, एटलीस्ट 2 स्क्रूज आर डिफेक्टिव. तो अब हम क्या करेंगे, ये जो परसेंटेज है डिफेक्टिव स्क्रूज हुए, उसको जो एक यूनिट है उसका जो 2%, तो उसको हम पी से डिनोट करेंगे, और उसका जो
आंसर आएगा वो होगा 0.2। वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 2 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 में से निकाले जाते हैं। तो अगर यहाँ पे 3 दिया गया हो तो यहाँ पे होगा 3 डिवाइड बाय 100, तो उसका आएगा 0.03। तो इसका आंसर आया 0.02। अब n हमारा क्या होगा कि n हमारा होगा 200 यूनिट जो हमें दिया गया है, 200 यूनिट। और m इज इक्वल टू n इंटू पी, तो हमारा n है 200 और जो हमारा p है वो है 0.02। तो 200 इंटू 0.02 इज इक्वल टू 4, तो m इज इक्वल टू 4। तो हमें सब मिल गया, अब इसको सॉल्व करेंगे। और इसके लिए एक फॉर्मूला है e^(-m)(m^x) डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। तो ये जो 4 है वही m है, तो यहाँ पे ये m आएगा। और ये जो 0 है, नो डिफेक्टिव स्क्रूज, यानी कि x हुआ 0 तो वो x हुआ। तो p0 इज इक्वल टू e^-4 4। ये माइनस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे माइनस है, e हमें दिया गया है यहाँ पे इसलिए। और ये m का m यहीं पे आएगा और यहाँ पे 0 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे क्या आएगा कि आएगा 1, वो इसलिए क्योंकि एनीथिंग रेस्ट टू 0 इज इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पे 4 नहीं लिख सकते, 0 नहीं लिख सकते। मैंने यहाँ पे 1 इसलिए लिखा क्योंकि एनीथिंग रेस्ट टू 0, 4 के ऊपर 0 है, तो यहाँ पे आएगा 1। और ये जो e माइनस 4 है वो e-4, तो e-4 की वैल्यू ये है 0.01832। तो 0.01832 इंटू 1, तो आंसर वही का वही आएगा 0.01832। अब सेकंड कंडीशन, एट द मोस्ट 2 स्क्रूज आर डिफेक्टिव, ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्क्रूज डिफेक्टिव है। एट मोस्ट 2 आर डिफेक्टिव, तो हम क्या करेंगे, P0 प्लस P1 प्लस P2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्क्रूज डिफेक्टिव। तो 0 से लेके 2 तक जाना है, तो e-4 4 0 0 फैक्टोरियल प्लस e-4 4 x 1, तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल प्लस e-4 4 x 2 फैक्टोरियल। एनीथिंग रेस टू 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ पे ऊपर 1 है तो आएगा 4 प्लस यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 तो 8। और ये जो e-4 है हमें क्या करना है कि ये कॉमन में ले लेना है। e-4 ये कॉमन में इसलिए लिया क्योंकि सब में e-4 है इसलिए। तो सबका टोटल हुआ 13 e-4। अब e-4 की वैल्यू हमें दी गई है 0.01832 इंटू 13, तो आंसर आएगा 0.23816। अब थर्ड कंडीशन ये है कि 3 स्क्रूज आर डिफेक्टिव, एग्जैक्टली 3 स्क्रूज। तो थर्ड कंडीशन 3 डिफेक्टिव, तो e-4 4 3 3 फैक्टोरियल। तो 4 इंटू 4 को
4 into 4 into 4 64 divided by 3 factorial, so 3 to the 6, so divided by 6, 10.66. So e minus 4 common mein 10.66, e minus 4 ki value hai 0.01832 into 10.66. तो आंसर आया 0.1954. अब जो लास्ट कंडीशन ये है कि at least 2 स्क्रूज आर डिफेक्टिव, at least 2 स्क्रूज आर डिफेक्टिव. तो अब हमें लास्ट कंडीशन दी गई है, ये है कि एटलीस्ट 2 स्क्रूज आर डिफेक्टिव, कम से कम 2 स्क्रूज डिफेक्टिव है और उससे ज़्यादा तो कहीं आगे इन्फिनिटी तक. तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसी हो सकती है कि P2 प्लस P3 प्लस P4 और प्लस इनफाइनाइट, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता. तो अब हम क्या करेंगे कि हमें जो नहीं चाहिए वो हम फाइंड करेंगे और उसको 1 से माइनस करेंगे तो हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा. वो इस तरह से होगा 1 माइनस P0 प्लस P1. हमें इसमें P2 तक नहीं जाना है क्योंकि क्या दिया गया है, एटलीस्ट 2 स्क्रूज आर डिफेक्टिव. तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमें जो नहीं चाहिए था वो हमने ढूंढा और उसको 1 से माइनस कर दिया. तो यहाँ पे होगा e माइनस फोर 0 फैक्टोरियल प्लस e माइनस फोर 1 फैक्टोरियल. एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे 4 का 4 ही होगा और e माइनस फोर और यहाँ पे 1 माइनस 5 इंटू e माइनस फोर की वैल्यू थी 0.01832 माइनस, तो 5 into 0.01832 1 माइनस 0.0916 माइनस. तो आंसर आया 0.9084. तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमको बोला गया था कि एटलीस्ट 2 स्क्रूज आर डिफेक्टिव, कम से कम 2 स्क्रूज तो डिफेक्टिव है ही और उसके ऊपर इन्फिनिटी तक है. तो वो कंडीशन पॉसिबल नहीं हो सकती, इसलिए हमने क्या किया कि हमें जो नहीं चाहिए वो हमने ढूंढा, ये जो हमें नहीं चाहिए था वो हमने ढूंढा और उसको 1 से माइनस कर दिया. तो आंसर आया 0.9084. तो अब एक और टाइप का सम हम देख रहे हैं, उसमें हेडिंग आपको दिया होगा फिट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. तो उसमें x दिया गया होगा और ये f इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसीज, तो हमको यहाँ पे दी गई है 110, 65, 21, 31 और e दिया गया है 0.6 और उसकी वैल्यू दी गई है 0.5488. तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे और एक आए एफएक्स करना है, एफएक्स यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. तो इसका होगा 0 65 into 165 21 into 2 42 3 3 9 4 1 4. और बाद में पी एक्स, उसके लिए हम क्या करेंगे कि इन दोनों का टोटल करेंगे. तो इसका जो टोटल है तो इसका टोटल आ रहा है 200 और इसका 120. तो यहाँ पे मीन की फॉर्मूला ये है कि मीन इज इक्वल टू एक्स बार, तो एक्स बार इज इक्वल टू एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन.
तो यहाँ पे एफ एक्स का है 120 डिवाइडेड बाय 200, तो 120 डिवाइडेड बाय 200 तो 0.6, तो यहाँ पे भी 0.6 है, यानी कि कंफर्म हो गया कि हमारा ये जो टोटलिंग है वो सही है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो ई माइनस एम वाली फार्मूला से करते थे वही फार्मूला से सेम करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में ई पी एक्स इज इक्वल टू ई माइनस एम एम एक्स एक्स फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हमें जो सारे एक्स हैं वो दिए गए हैं 0, 1, 2, 3, 4, यही से हमें करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पी ज़ीरो ई एस टू 0.6 एक्स हुआ 0 फैक्टोरियल फर्स्ट, सेकंड 1 है पी 1 टू 0.6 1 फैक्टोरियल 3 पी 2 ई 0.6 2 फैक्टोरियल पी 3 ई रेस टू 0.6 3 फैक्टोरियल पी 4 ई रेस टू 0.6 4 फैक्टोरियल। हमने वही जो पहले वाले मेथड से कर रहे थे उससे ही करना है, जो पहले वाला जो फॉर्मूला है वही हमने अप्लाई किया है। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन होगा एनीथिंग रेस टू 0 इज इक्वल टू 1 और 1 इंटू 0.6 की जो वैल्यू है 0.5488, तो उसका यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूँ, आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं 0.5488। 0.6 का जो स्क्वायर ऊपर दिया गया है 1, तो उसका 0.6 का 0.6 ही होगा और 0.6 की वैल्यू दी गई है 0.5488 इंटू 0.6 तो होगा 0.3293। 0.6 का स्क्वायर तो 0.6 इंटू 0.6 0.36 डिवाइडेड बाय 2 0.18 तो 0.5488 इंटू 0.18 तो होगा 0.0988। और यहाँ पे 0.6 रेस टू 3 तो 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 0.216 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल तो 3 इंटू 2 इंटू 1 6 डिवाइडेड बाई 6 0.036 तो ई रेस टू 0.6 की वैल्यू वही है 0.5488 इंटू 0.036 और इन दोनों का इंटू करेंगे 0 × 0.548 तो आंसर आएगा 0.0197 और ई रेस टू 0.6 रेस टू यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल तो 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 और 4 फैक्टोरियल 4 से 12 टू जा 24 डिवाइडेड बाय 24 तो आंसर आया 0.5488 इंटू 0.0054 इंटू 0.5488 तो 0.0029 और 6 आंसर आया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पीछे 6 है तो यहाँ पे हम 30 कर देंगे तो 0.0030। यहाँ पे जो 0.5 होता है तो आपको सबको पता है कि आगे का नंबर जो है चेंज हो जाता है, तो हमने इसलिए यहाँ पे 0.30 कर दिया। तो ये जो पी एक्स जो आया
ये हमने ढूंढा ये सारा, ये हमें क्या करना है यहाँ पे पी एक्स में लिख देना है यहाँ पे। तो सबसे पहले का आया 0.5488, फर्स्ट सेकेंड का 0.3293, थर्ड का 0.0988, फोर्थ का 0.0197 और फिफ्थ का 0.0030। अब क्या करना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी उसकी फॉर्मूला है एन इंटू पी एक्स, एन इंटू पी एक्स। तो यहाँ पे हमारा ये जो एन है वो है 200 इंटू 0.5488, 200 इंटू 0.5488, तो आया 109.76। तो राउंड फिगर हम ले सकते हैं 110, 200 इंटू 0.3293, 200 इंटू 0.3293, 65.86 आया। तो हम ले सकते हैं यहाँ पे 66, 200 इंटू 0.0988, 19.76। तो यहाँ पे ले सकते हैं हम 20, 200 इंटू 0.0197, 200 इंटू 0.0197, 3.94 आया। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं और लास्ट में 200 इंटू 0.0030, 200 इंटू 0.0030, 0.6 आया। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं कि 1। अब हम क्या करेंगे, इन सब का टोटल कर देंगे, 110 प्लस 66 प्लस 20 प्लस 4 प्लस 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा 201 आया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी थी, तो हमको यहाँ पे क्या होना चाहिए कि दोनों जो ये इसका और इसका जो आंसर है f का और इसका, दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। लेकिन मेरा यहाँ पे एक प्लस में आ रहा है, तो यहाँ से मैं किसी को भी, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 66 है, तो उसका मैं 65 अगर कर दूँ तो यहाँ पे ये पूरा जो है टोटल राउंड ऑफ 200 हो जाएगा। तो ये समय बस इतना ही है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है। जब भी आपको फिट दिया गया हो, फिट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तब यही करना है। और अगर आपका भी थोड़ा ऊपर नीचे आ सकता है तो आप एक डिजिट चेंज कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे वही किया है। तो इसका भी जो टोटल है वो सेम आ गया है। तो आप में से कई को क्वेश्चन होगा कि मैंने यहाँ पे 66 को कट क्यों किया, वो इसलिए क्योंकि जब भी हमने ये कैलकुलेट किया तब जो आंसर था वो पॉइंट में आ रहा था, तो शायद हमारा पॉइंट बढ़ गया, इसकी वजह से एक वन ऐड हो गया, इसलिए हमने कट किया, और तो कोई रीज़न था नहीं उसका। और यहाँ पे इसकी नाम में ही है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो आप यहाँ पे थोड़े वेरिएशन ला सकते हो। और सभी सम में ऐसा ही होगा, दोनों का टोटल जो है वो सेम ही आएगा। सो अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब।